नुह पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में जो फिरोजपुर झिरका शहर चौकी पुलिस है, वो थाना सदर पुलिस है, उनकी संयुक्त कार्रवाई की गई है। पुलिस की जो है सिरदर्द करने वाले अपराधी आज धरे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि फिरोजपुर झिरका शहर के अंदर आए दिन जो चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, कहीं से खलकी बोरियों को ये चुरा कर ले जाते थे, कहीं बीड़ी के बंडलों को गोदामों से ले जाते थे। ऐसे में जो है पुलिस FIR लॉज करती है। FIR लॉज के बाद में इनकी जो है कार्रवाई इन पर बैठानी शुरू हो गई है। और ऐसे में ये अपराधी जो है पुलिस को चकमा देकर बार बार वारदात कर फरार होते रहे। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दयानंद वे शहर चौकी प्रभारी सुनील कुमार की टीम द्वारा एक ऐसा जाल बिछाया गया कि इन अपराधियों की पहले कहीं से जो है शहर से CCTV फुटेज में इनकी सारी वारदात कैद हो गई। पुलिस लगातार जो है इनका पीछा करता रही। मुखबिर खास द्वारा सूचना के आधार पर जो है झिर रोड से जो है शौकीन उर्फ गंडी जो इस मामले का मुख्य मास्टरमाइंड है उसको जो है राउंड अप किया गया। अवैध हथियार जिससे बरामद किया गया देसी कट्टा 315 बोर, अवैध हथियार बरामद करने के साथ साथ में जो है इससे गहनता से पूछताछ की गई। इसके अन्य साथी हैं जो उनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने बड़ी बरामदगी में इसको कहूंगा करीब 2.5 लाख रुपए की बीडियो के बंडल सहित जो है इनसे बरामद किए गए हैं। हालांकि और अन्य जो सरसों की खल वगैरह इन्होंने चोरी की थी, पुलिस गहनता से जो है इनसे पूछताछ में लगी हुई है, उनको भी जो जल्द इनसे बरामद किया जाएगा। अभी जो बड़ी अपडेट फिरोजपुर झिरका थाने से प्राप्त हो रही है, बड़ी अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि 2.5 लाख रुपए की जो बीड़ी चुराई थी उनको पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले का मुख्य मास्टरमाइंड आदतन अपराधी में इसको कहूंगा कि कई FIRों में लगातार इन वारदातों को फिरोजपुर झिरका शहर में ये अंजाम दे रहे थे, आदतन अपराधी हैं चोरी के। तो SHO फिरोजपुर झिरका श्री दयानंद हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार कहां से आरोपियों को राउंड अप किया गया है, क्या क्या इनसे अभी तक बरामदगी हुई है और यानी क्या अभी इनसे जो है और अन्य सामान जो बरामद करना है। सर क्या कहेंगे जो है बड़ी कामयाबी मैं इसको मान रहा हूं कि फिरोजपुर झिरका पुलिस को मिली है, और ऐसे में किस मामले में दो आरोपी फरार चल रहे थे, क्या वारदात इन्होंने की थी, काफ़ी स्तर पर बरामदगी मैं कहूँगा 2.5 लाख के करीब जो है माल बरामद इनसे हुआ है, तो क्या मामला सर? सर फिरोजपुर झिरका में 14/11/2022 को एक चोरी हुई थी जिसमें खड़ बिनोला की चोरी की थी, और 22/11 को एक चोरी और की थी जिसमें 7 बोरी बीड़ी की 502 की चोरी की थी जी। जो दोनों के मुकदमे दर्ज किए थे और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे। CCTV फुटेज के आधार पर हम इनके पीछे लगे हुए थे। 2 तारीख को तौफीक उर्फ गंडू ये हमें अवैध वेपन के साथ शहर में ही घूमता हुआ मिला, जिसके खिलाफ एक इलीगल वेपन का केस रजिस्टर किया गया और उसके बाद इसके डिस्क्लोजर के आधार पर अन्य आरोपियों तक पहुंचे। तमाम बीड़ी 7 बोरे जो थे वो सभी बरामद किए गए। खनबिरोड़ा के बारे में अभी प्रयास जारी है जी जी। और जो राजेश नामक व्यक्ति था पिनंगवा का, उसको हमने अरेस्ट कर लिया था, उससे रिकवरी करी दो बंडल और 5 इधर उधर से किए, उसके बाद में फिर उसको जेल में भेज दिया है। बाकी इनके ये पुलिस रिमांड पर प्रथम पूछताछ में माने तो जो मामले का मुख्य मास्टर माइंड है, क्या बताया कहाँ पे इन्होंने माल बेचा था, किसको बेचा था? देखो मास्टरमाइंड तो इसमें तौफीकुर गंडवी है, ये आतन अपराधी है और एक ये बस के ऊपर कंडक्टर का काम करता है और रात को फिरोजपुर झिरका में घूमता फिरता रहता है। इसने अपनी रेकी करके इस प्रकार का इस वारदात को अंजाम दिया और इलीगल वेपन के साथ अपने अरेस्ट करके इसको इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो सर बीड़ियों को गोदाम इन्होंने तोड़ा, बीड़ियाँ वहाँ से निकाल ली, किसको बेची थी, कौन था वो आरोपी जिसको इन्होंने बेची? एक राजेश नामक व्यक्ति था जो पिरंगवा का रहने वाला था, उसने 2 बोरे खरीदे थे। तो इनके साथ में उसको भी अरेस्ट किया गया है? हाँ, उसको अरेस्ट किया, इसकी इनके निशानदेही के ऊपर उनको अरेस्ट किया, उसके बाद उनको जेल भेज दिया। तो सर क्या माना जा रहा है जो शहर में आए दिन ये वारदातें हो रही थी, क्या इनका ही मुख्य रोल इनमें रहा? इनका मुख्य रोल रहा है, अभी आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे क्या जैसे भी होगा और आगे बढ़ाया जाएगा।